देश 2019 में जब पहुंचा तो लग रहा था कि सब कुछ बदल जाएगा। देश ने अपार जनसमर्थन देकर दोबारा से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया था। इस बार गृह मंत्री कौन होगा, इस पे अटकलें तेज हो गई थीं। देश ने तय किया, देश के नेतृत्वकर्ताओं ने तय किया कि इस बार देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। अमित शाह को भोपू चैनल इस तरीके से परोस रहे थे, लग रहा था कि ये गृह मंत्री देश के लिए अभूतपूर्व गृह मंत्री होगा। इसके इतिहास में ऐसा गृह मंत्री देश को मिला ही नहीं था। देश के लिए प्रसन्नता का विषय था, देश प्रसन्न था, लग रहा था कि सब कुछ बदल जाएगा। भोपू मीडिया चैनल ऐसे परोस रहे थे जैसे भाजपा ने राम राज्य की घोषणा, जो अपने घोषणा पत्र में करते हैं, लग रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के बनते ही वो राम राज्य देश में कायम हो जाएगा। इससे इतर आपको मैं एक तरफ एक और घटना याद कराता हूं, चूंकि गृह मंत्री बनने के बाद की वारदात है तो जान लेना भी जरूरी है। देश में बड़ा कार्यक्रम हो रहा था नमस्ते ट्रंप का, पूरा देश खुश था, गौरवान्वित था, पूरा देश गौरवान्वित था। खुशी की बात भी थी, खुशी की बात इसलिए भी थी कि पूरे देश, पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुपर पावर देश, उसका प्रतिनिधि हमारे देश आ रहा था और हम भव्य कार्यक्रम कर रहे थे। प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्पित थे प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए। होना भी चाहिए था बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि पूरी दुनिया के विश्व पटल पे भारत का नाम जा रहा था। लग रहा था कि भारत अब यहां से एक बड़ी छलांग लगाएगा। हमारा स्लोगन भी है कि अतिथि देवो भव। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, होना भी चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ एक नाक के नीचे दिल्ली में एक घटना हो रही थी। नमस्ते ट्रंप जब हो रहा था, दिल्ली जल रही थी, दिल्ली में हिंसा हो रहा था, कई लोग उस हिंसा की आग में जल गए, कई लोगों की मौत हो गई उस दौरान। लेकिन वो हिंसा भड़की कैसे, ये जान लेना बेहद जरूरी है। वो हिंसा भड़की इस कदर थी कि जगह भाजपा के एक नेता ने वहां जाकर भड़काऊ बयान दिया। भड़काऊ, आप वो वीडियो भी है, भड़काऊ बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, कपिल मिश्रा के इस भाषण के बाद पूरी दिल्ली का माहौल बदल गया। हमने उस हिंसा में कई अपने जवान खो दिए, कई लाल खो दिए, पुलिसकर्मी भी खोए, अंकित शर्मा को हमने खोया। ये बदनुमा दाग था जो ये दिल्ली के माथे पर कलंक की तरह लग चुका था। लेकिन क्या इसके पीछे, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ सीखने की कोशिश की? क्या गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जब ब्रीफिंग करते होंगे, जब बातचीत करते होंगे, तो क्या ये नहीं ब्रीफ करते होंगे कि आने वाली कठिनाइयों से, आने वाली चीजों से, आने वाली दिक्कतों से, दुश्वारियों से कैसे दिल्ली पुलिस लड़ेगी? बात तो होती होगी, लेकिन उस पे, उस घटना के बाद से भी दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं सीखा। घटनाएं आपको याद भी होंगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस सीखने का नाम नहीं ले रही। अभी कल ही एक घटना हुई है, रिंकू शर्मा, तमाम लोग उस पे कूद पड़े हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, दिल्ली पुलिस जागती क्यों नहीं है, दिल्ली पुलिस सीखना क्यों नहीं चाहती। 26 जनवरी की घटना हुई, पूरे देश ने देखा। 26 जनवरी की घटना हुई, वहां निशान साहब फहरा दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे भारत में तिरंगे का अपमान हो गया। लेकिन कटघरे में दिल्ली पुलिस भी तो खड़ी होती है। 26 तारीख को इतना चाक चौबंद होता है, 26 तारीख को इतने वहां पे घेरेबंदी होती है, 50 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर से वो आदमी चल के लाल किले तक कैसे पहुंच जाता है, जबकि एक शाम पहले वो अपने फेसबुक लाइव में लोगों को भड़काते हुए शाम साफ साफ दिखता है और कहता है कि कल हम लाल किले की तरफ बढ़ेंगे। वो वीडियो वायरल भी होती है और दिल्ली पुलिस सोती रहती है।
सवाल होंगे जब ऐसी घटनाएं होंगी, जब आम लोगों की हत्याएं होंगी, जब आम लोगों की जानें जाएंगी, कटघरे में दिल्ली पुलिस होगी, कटघरे में गृह मंत्रालय होगा, कटघरे में अमित शाह होंगे। ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं कि जब किसी को प्रतिनिधि चुनकर देश भेजता है तो वो किसी पार्टी का नहीं होता, किसी दल का नहीं होता, वो देश का होता है। गृह मंत्री अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन पूरे घटना के दौरान, पूरे देश में जो घटनाक्रम चल रहा है, हम आप सब लोग देख सकते हैं, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव बनाने और बिगाड़ने में व्यस्त हैं। लगातार वहां से कवरेज आ रहे हैं, बड़े बड़े चैनल कवरेज दे रहे हैं। दिल्ली के नाक, दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में घटना हो जाती है, बम फट जाता है, दिल्ली पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती। दिल्ली पुलिस लग रहा था कि अमित शाह के मंत्रालय संभालते ही बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन ये जो घटनाएं हम बता रहे हैं, जो घटनाएं आप टीवी चैनल पर सुन रहे होंगे, कम से कम उनको देख के तो ये नहीं लगता है। कटघरे में दिल्ली पुलिस है, कटघरे में गृहमंत्री है, कटघरे में सरकार है। ये समझने की जरूरत है, ये देश की सरकार है, ये देश के लोग हैं, ये किसी पार्टी के लोग नहीं है। आप ये तमाम खबरें देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिंकू शर्मा की खबरें देख, इससे बेहतर होगा कि आगे और गलतियां हो, इससे बेहतर होगा कि आगे और ऐसी कुछ भूल हो जाए, उससे बेहतर है कि जवाबदारी तय करनी होगी, इससे बेहतर है कि दिल्ली पुलिस सुधार ले अपने आप को और उस पर काम करे और ऐसी तब्दीलियां, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पूरे देश को आश्वस्त करे। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।